सबसे खास भक्त थे महाकाल के राजा रावण। और विगत 28 वर्षों से हम निरंतर पूजा अर्चना करने के बाद में महाप्रसादी का भोग भी लगाते हैं और एक भी बुराई हमें इसमें पर नज़र नहीं आती। सीता माता को भी इनने लंका में इतनी हिफाजत से रखा है, हाथ तक नहीं लगाया उसे। और महान शुभ भक्त थे महाकाल। राम जी का अवतरण ही रावण की मुक्ति के लिए हुआ था और हम आज के दिन को मोक्ष दिवस के रूप में अपने ये मनाते आए हैं। और पूजा अर्चना का ये अपने सिलसिला और दिन पे दिन ये अपने ये बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। और भी कुछ यानी आगे एक वो मार्ग की भी यानी कि नाम की योजना है हमारी, यानी कि बातचीत हो रही है। और रावण दहन करने वालों को सद्बुद्धि दे, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि रावण को दहन करने की परंपरा यानी कि शास्त्रों में नहीं है। ये कुछ लोग राजनीति की वजह से कि दिन पे दिन ये उसको अपने ये बढ़ाते जा रहे हैं, बनाने वाले रावण का मंदिर है यानी स्थान का अपने वो चयन यानी हो रहा है। भैरवगढ़ के क्षेत्र में एक रावण की विशाल मूर्ति की स्थापना हुई, एक अपने चिकली में स्थापना हो गई है, वहाँ पर आज भी रावण की अपने पूजा अर्चना हो रही है। और ये हमारे यहाँ भी स्थापना